भारत पाक सरिहद्दुल्लो फेंसिंग पक्कने उन्न भूमुलनु ट्राक्टर्लतो दुन्नुतुन्नारु बीएसएफ अधिकारुल भद्रत मध्य सागु पनुलु मोदलु पेट्टारु रैतुलु गतंलो उग्रवादुलु पाक आर्मी काल्पुल भयंतो सागु चेयलेकपोयामनि इप्पुडु बीएसएफ सेक्यूरिटीतो सागु मोदलु पेट्टामनि चेबुतुन्नारु रैतुलु सरिहद्दु ग्रामाल भद्रत तम बाध्यतन्नारु बीएसएफ अधिकारुलु व्यवसाय शाख सहकारंतो रैतुलकु भद्रत कल्पिस्तुन्नामनि चेबुतुन्नारु जो 20 साल से खाली पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार फायरिंग होती रहती थी, किसानों को आगे मौका नहीं मिलता था तो किसान आगे डर के मार के आगे खेती नहीं करते थे, तो काफ़ी जंगल वगैरह था, बीएसएफ को भी तकलीफ होती थी उसको साफ करने के लिए। अभी सरकार की तरफ से डिविजनल कमिश्नर साहब के प्रयास से और डी साहब के प्रयास से अभी ये खेती का प्रयास हमने शुरू किया है, इसमें हमने काफ़ी सहयोग दिया उनको और बीएसएफ ने भी पूरा भरोसा दिलाया कि आपको पूरे सुरक्षा के आपके प्रबंध होंगे। आज हम खेती कर रहे हैं, डी साहब भी मौके पर आए थे तो हमारे 10-20 ट्रैक्टर अभी लगे हैं, 50 एकड़ के करीब हमने ज़मीन आबाद कर दी है और बीएसएफ तारबंदी और जीरो लाइन के ऊपर उन्होंने पिलर टू पिलर अपने बंदे लगा रखे हैं, तो अभी किसानों में थोड़ा हौसला बढ़ा है कि आगे हम खेती कर पाएंगे क्योंकि किसानों के पास खेती जोगे ज़मीन कम है और कोई रोज़गार नहीं है और उनको भी पता है कि अगर हम इसमें मेहनत करेंगे तो जहां पर हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं क्योंकि रोज़गार कोई नहीं है और अगर गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती रहेगी तो ये काम सिरे चढ़ सकता है। 20 साल से बेकार पड़ी है ये, हम लोग तो नहीं चाहते थे इसको छोड़ना लेकिन मजबूरी की वजह से ड्यू टू फायरिंग, क्योंकि इतना फायर होता था कि हमारे घर भी तोड़ दिए थे, यहाँ पर कौन आ सकता था, उसकी वजह से अभी तक ये खाली रही। अब गवर्नमेंट ने चाहा, हमको पूरी सुविधा दी, बीएसएफ ने, डीसी साहब ने, एग्रीकल्चर वाले सब साथ मिलकर हम लोगों से करवा रहे हैं तो हम लोगों को भी ये हौसला हुआ, ये सहारा हुआ कि साहब गवर्नमेंट चाहती है तो हम अपनी ज़मीन को कम का